गाइस मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हो रसलर्स 360। तो दोस्तों हमने कई बार रो एंड स्मैकडाउन के बीच सर्वाइवर सीरीज में कंपटीशन देखा है, लेकिन दोस्तों अब हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच एनएक्सटी वर्सेस एनएक्सटी यूके के बीच कंपटीशन करवाने वाले हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक AEW को लीव करने वाले हैं, जिसको लेकर शॉकिंग अपडेट सामने आई है। एंड कल होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू एंड हाईलाइट की बात इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि स्मैकडाउन में रोमन रेंग्स एंड ड्रू मैकइंटायर का फेस टू फेस होने वाला है। तो जानेंगे इन सभी अपडेट्स को डिटेल में। वीडियो काफी कमाल की होगी, इसे एंड तक देखना, स्कीप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं एनएक्सटी वर्सेज एनएक्सटी यूके से। तो देखो दोस्तों, मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि WWE ने NXT UK से अराउंड 15 सुपरस्टार्स को रिलीज करा है, क्योंकि अभी से WWE ने NXT UK ब्रांड को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, और 2023 से NXT यूरोप WWE लॉन्च करेगी। लेकिन अब डेव मेल्टर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में बताया है कि 4 सितंबर 2022 को होने वाले NXT वर्ल्ड कोलाइड इवेंट में WWE NXT वर्सेस NXT UK शो करवाएगी, जैसे कि हमें रो वर्सेस स्मैकडाउन सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलता है, उसी तरह NXT वर्सेस NXT UK WWE NXT के इवेंट वर्ल्ड कोलाइड इवेंट में करवाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, NXT UK भी बंद हो चुका है, तो इन फ्यूचर जो NXT UK के सुपरस्टार्स हैं, टैलेंट्स हैं, वो NXT रो एंड स्मैकडाउन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल WWE NXT वर्सेज NXT UK के बीच मैचेस करवाएगी, जिसके चलते लास्ट वीक NXT में NXT UK के सुपरस्टार्स ने दस्तक दी थी। तो अगर आप NXT नहीं देखते हो तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल एच मेन रोस्टर जैसी वाइब्स NXT में देने वाले हैं। वैसे आप लोग इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहो, कुछ थॉट्स बताना चाहो, तो कमेंट कर सकते हो। बात करेंगे अगली अपडेट की, जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि WWE रसलमेनिया के लिए हर साल बोली लगाती है कि किस सिटी में रसलमेनिया करवाना है, जिसके बाद एक सिटी को सिलेक्ट किया जाता है और रसलमेनिया को करवाया जाता है। और ऐसा ही WWE ने क्लेश एट द कैस्टल प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर करा है, और कार्डिफ सिटी को क्लेश एट द कैस्टल के लिए सिलेक्ट किया गया था। और अब रिपोर्ट्स आई है जो कि केज साइड सीट्स ने दी है कि WWE अपने बिगेस्ट इवेंट्स लाइक रॉयल रोम्बल एंड समर स्लैम के लिए भी सिटी की बोली लगाएगी, जिसके बाद कुछ सिटीज में से एक सिटी को सिलेक्ट किया जाएगा और वहां पर रॉयल रोम्बल, समर स्लैम एंड जो भी WWE के बड़े इवेंट्स होते हैं वो करवाए जाएंगे। वैसे आपको इस बोली वाली स्टोरी का पहले पता था या इस वीडियो को देखने के बाद पता चला है, ये कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि थोड़ी शॉकिंग है, और ये जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk से। तो देखो, लास्ट वीक डायनामाइट में CM Punk एंड जॉन मॉक्सली का सेगमेंट होता है, जहां पर AEW ने WWE को मेंशन करा और WWE को कॉपी भी करा है। लेकिन अब बैक स्टेज से किसी ने रिपोर्ट दी है कि CM Punk डायनामाइट से पहले अपनी बुकिंग को लेकर नाराज थे, निराश थे, जिसके चलते उन्होंने टोनी खान को AEW को क्वाइट यानी लीव करने की धमकी दी थी, और CM Punk ऑलमोस्ट AEW को लेफ्ट कर चुके थे। और जो जॉन मॉक्सली वर्सेज CM Punk का नेक्स्ट वीक डायनामाइट में टाइटल यूनिफिकेशन मैच कन्फर्म हुआ है, वो लास्ट मोमेंट में आकर बुक किया गया था। और अब अगर नेक्स्ट वीक डायनामाइट में जॉन मॉक्सली वर्सेज CM Punk के मैच में AEW CM Punk को हारने के लिए बुक करती है, तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि CM Punk AEW को लीव कर दे। लेकिन स्टिल कोई कन्फर्म अपडेट नहीं है कि आखिर CM Punk एंड AEW के बीच बैक स्टेज में किस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके चलते CM Punk ने AEW को क्वाइट करने तक की धमकी दी थी। वैसे कोई और अपडेट आती है तो जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर CM Punk AEW को
क्यूआइट करते हैं, लीव करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बनती है कि वो WWE में अपना रिटर्न कर ले। वैसे आप लोग इसके ऊपर क्या थॉट्स रखते हो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। और फाइनली बात करते हैं कल होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू एंड हाईलाइट की। तो देखो, स्मैकडाउन के लिए कुछ सेगमेंट्स WWE ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट सेगमेंट होगा रोमन रेंग्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का फेस टू फेस। तो जैसा कि आपको पता है, क्लेश एट द कैस्टल प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंग्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच होगा, जिसके चलते कल स्मैकडाउन में मैकइंटायर एंड रोमन रेंग्स फेस टू फेस होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर कैरियन क्रॉस भी मैकइंटायर एंड रोमन रेंग्स को इंटरप्ट कर सकते हैं। तो स्टिल देखना होगा कि रोमन रेंग्स एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच किसी तरह का ब्राउल कल स्मैकडाउन में होता है या नहीं। इसके बाद विकिंग राइडर्स का विकिंग फ्यूनरल सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर वो न्यू डे का फ्यूनरल करेंगे, क्योंकि लास्ट कुछ हफ्तों से विकिंग राइडर्स ने न्यू डे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, जिसका सेलिब्रेशन विकिंग राइडर्स कल स्मैकडाउन में करेंगे। तो स्टिल देखना होगा कि न्यू डे यहां पर विकिंग राइडर्स को जवाब देते हैं या नहीं, और क्या पता बिग ई अपना रिटर्न करके विकिंग राइडर्स से न्यू डे का रिवेंज लेते हुए दिखाई दे, क्योंकि ट्रिपल एच है तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन स्टिल बिग ई के रिटर्न को लेकर किसी तरह की अपडेट नहीं है, तो देखना होगा कल विकिंग राइडर्स स्मैकडाउन में क्या कुछ करते हैं और कौन सी टीम उन्हें रोकती है। इसी के साथ विमेन्स टेक टीम चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट मैचेस कल स्मैकडाउन में कंटिन्यू रहेंगे, जहां पर नटालिया एंड सोनिया डेविल सामना करेगी निकिता लायोन्स एंड जॉय स्टार्क्स का, जो NXT से कल स्मैकडाउन में अपना डेब्यू करेगी। एंड आई थिंक इस मैच में निकिता लायोन्स एंड जॉय स्टार्क्स की जीत होगी। वैसे दोस्तों, स्मैकडाउन के लिए फिलहाल तो यही कुछ कन्फर्म हुआ है, लेकिन इसके अलावा गंथर का IC टाइटल के लिए अगला अपोनेंट कौन होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड लिव मॉर्गन वर्सेस साइना बेसलर की स्मैकडाउन विमेन्स टाइटल की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। एंड रोंडा राउजी स्मैकडाउन में क्या कुछ करने वाली है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट तो करना ही है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज़ इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।